वो तो हमको नहीं समझ पाए हम उनको नहीं समझ पाए जब हमारी आपस की समझ और अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है और पार्टी विचारधारा अलग अलग है तो फिर हमने ये यही चीज़ समझा कि रिजाइन करके मतलब और दम है तो मैं तो ये बात बहुत पहले से कह रहा था अगर ये पायलट साहब को साथ देते हुए चुनाव में बराबर चलते हुए, तो शायद ये राज में होते देखना ही नहीं पड़ता अशोक गहलोत जी तीन बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गजों को ढब लगाया जिसकी कोई सीमा नहीं है कोई नहीं कहता ये बात के अलावा हम छोटे मोटे आदमी कहना कहीं चुनाव लड़ते जीत जाते हैं चुनाव हारते मुख्यमंत्री रहते हुए जगह बदल बदल के अपने बेटे पर नहीं चिंता पाए ये क्या है तो घर बैठो ना बाबा बहुत हो गया अब अब ये अखबार मीडिया को बुला बुला के जो स्टेटमेंट देने से अब चौथी बार का काम नहीं बैठेगा जो सोच कर बैठे हो होने चौथी बार मुख्यमंत्री बनना है जनता सब जानती है राजस्थान के सियासी गलियारों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो चुकी है कांग्रेस से बीजेपी में आए खिलाड़ी लाल बैरवा ने फिर से बीजेपी से किनारा कर लिया हालांकि साफ तौर पर उनका कहना यह है कि विचारधाराओं का मेल नहीं हो पाया खिलाड़ी लाल बैरवा जी हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब विचारधारा का मेल नहीं हो पाया छः महीने में क्या कुछ ऐसे चीज़ें रहीं जिस वजह से आप साढ़े चार महीने रहे छः नहीं साढ़े चार महीने रहे वो हमको नहीं समझ पाए हमारको नहीं समझ पाए जब हमारी आपस की समझ और अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है और पार्टी विचारधारा अलग अलग है तो फिर हमने ये चीज़ समझा कि रिजाइन करके अपना घर बैठना चाहिए अच्छा अभी विधानसभा चल रही है विधानसभा में भी कई एक दूसरे नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे हरीश चौधरी जी ने भी काफ़ी कुछ कहा इधर से कांग्रेस वालों ने भी काफ़ी कुछ कहा और हरीश चौधरी जी ने एक बात सदन में भी कही सड़क पर भी कही कि सचिन पायलट एक बहुत बड़े नेता हैं और आप पायलट गुट के ही माने जाते हैं उसे लेकर क्या कुछ आपका मानना है और क्या आगे भविष्य में पायलट साहब के साथ में वापस जाने की कोई मंशा हरीश चौधरी मजा हुआ और उस क्षेत्र का काफ़ी मजबूत आदमी है जाट राजनीति का अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है उन्होंने ये बात कही है तो इस बात में दम है और दम है तो मैं तो ये बात बहुत पहले से कह रहा था अगर ये पायलट साहब को साथ लेते हुए चुनाव हमें बराबर चलते तो शायद ये राज में होते ये देखना ही नहीं पड़ता लेकिन वो मैंने बताया ना कहानी यही है कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमारी सीट पे आ जाए इसलिए इसको भगाओ आउट रखो ये जो सिस्टम है ना इस वजह से राज से वंचित हुए नहीं तो राज जाता उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी पार्टी से मेल नहीं खा पाए आप या फिर पायलट साहब को किनारा कर दिया गया तो इस वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी तो क्या इस बार बीजेपी जो आपने कहा विचारधारा का मेल नहीं है क्या इस बार मुख्यमंत्री भजन लाल जी से एक पटरी नहीं बैठ रही देखो जी एक बात बता दूं मैं आपको अशोक गहलोत जी तीन बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गजों को ढब लगाया जिसकी कोई सीमा नहीं है कोई नहीं कहता ये बात खिलान के अलावा उन्होंने पायलट साहब को भी कहना है मैंने घर से बाहर निकालने के लिए इस पार्टी निकालने के लिए कोई खोर कसर नहीं छोड़ी मुझे ओवरऑल किया ही ठीक है ना लेकिन मैं तो यूँ था कि मैं कोई बड़ा देता था हूँ नहीं मेरे क्या पर पड़ता है ये मेरी ऐसे सुनते तो ठीक है नहीं तो ऐसे सुनेंगे तो ये जो स्थिति थी कोई नई नहीं, नहीं है रही बात ये कि आप कुछ भी करो जवाब दही और जवाब सबका देना पड़ता है अच्छा एक बात मैं पूछूँ आपसे हम छोटे मोटे आदमी क्या नाम कहीं चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं चुनाव हारते नहीं मुख्यमंत्री रहते हुए जगह बदल बदल के अपने बेटे पर नहीं चिंता पाए ये क्या है जनता की भावना के साथ तालमेल देखो कितना डिफरेंसेस हैं साला हम तो जीत रहे हैं तो हमारी तो योग्यता ही होगी हमारी सी वो एक वैल्यू होती है ना वो उसमें ऐ नहीं वो आपका एक सर्वे सर्वे में रिपोर्ट ठीक नहीं है एम पी जन रहे जब भी सर्वे रिपोर्ट थी टिकट काट दिया एम एल जीते एम एल रहे सर्वे रिपोर्ट ठीक कर दिया इनके चोरी की रिपोर्ट कौन सी अच्छी आ गई थी भाई हैं पूछा जाए जनता पूछ रही है तो घर बैठो ना बाबा बहुत हो गया अब अब ये अखबार मीडिया को बुला बुला के जो स्टेटमेंट देने से अब चौथी बार का काम नहीं बैठेगा जो सोच के बैठे होने चौथी बार मुख्यमंत्री और बनना है जनता सब जानती है नए लोगों को कांग्रेस की मजबूती के लिए अरे आपने सब कुछ किया 25 सितंबर वाली घटना को कोई बोला नहीं है मैंने तो उस दिन भी ट्वीट किया था जब आपके ये एक मीटिंग हुई थी दस साल बाद आपके आंजना जी की मीटिंग में तो मैंने कहा था मैं आंजना जी आज जो लोग दोषी हैं उनके साथ आप क्या नाम मैंने वो करने वाले हैं एक कि भाई फैसला होगा तो 25 सितंबर को जो किया वो तो बताओ तो एक ट्विटर में किसी दिन लिखा तो ये क्या करेंगे तो खुद ही दोषी थे तो भाई जो चीज़ें हैं ना वो एक चीज पक्का मानो राजनीतिक हो चाहे कैसा भी कोई भी इशूज हो हम लोग सोचते हैं ना कि हमको कोई देख नहीं रहा है हमको सब लोग देख रहे हैं क्या नहीं रहे फर्क इतना है जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका ये असर होगा और दो बार चुनाव हारना मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को नहीं जिता पाना ये तय है कि आपने जनता के साथ धोखा किया नेताओं को मारने के प्रयास किए उसका इकट्ठा फल आपके बेटे को मिल गया क्या आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में धर्तराष्ट्र साबित हुए अब वो तो अब उनके बारे में क्या बोलना है वो धर्तराष्ट्र कहो या कुछ भी कहो मैं तो इतनी बड़ी बात बोल दी इसके बाद कुछ बचता है क्या आपको घर बैठना चाहिए मैं खुद क्या कहना मैंने इसी उम्मीद में हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है बैठ जाना चाहिए रेडी ये सक्रियता ये हिसाब से पार्टी उपयोगी समझ पर क्या नहीं मिला भाई आप छोड़ते ना आपकी सीट आपकी विधानसभा की सीट छोड़ते ना और बेटे को कहते कि मेरा बेटा लड़ेगा और मैं छोड़ कर घर बैठ रहा हूं जब आप अपने बेटे को एडजस्ट कर पाते हैं। जब भी लोग कहते हैं कि यार ठीक है तो हम इस राजनीति के चक्कर में तुमने अपने बेटे की बलि दे दी थी उससे पूछो जाकर कहना वो क्या बोलेगा इसलिए भाई जनता की भावनाओं को समझो और वो सही काम करो जो करना है मेरी राय मेरे तो जी अभी आपने कहा कि आ, आप कोई बड़े नेता नहीं है लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप जन नेता ज़रूर हैं और क्या लगता है आपको अगर बीजेपी आला कमान लोकसभा में अगर आपको टिकट देता तो शायद उस एरिए की न सिर्फ आपकी सीट बल्कि और भी सीटों पर उससे फ़र्क पड़ सकता था हाँ ये ये फ़ायदा हो सकता था लोगों की भावना थी लोग कह भी रहे थे बाद में कि भाई ऐसा होता तो क्योंकि लोगों के तो डिसीजन हथमात आ जाते हैं साहब आप आंख बंद करके किसी पान की दुकान चाय की दुकान ये वो चार छः लोग अलग किस्म लोगों से बात करोगे ना तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस आ जाते हैं कि भाई इसमें ये ठीक था और ये होना चाहिए आने वाले उपचुनावों में क्या कुछ आपको ऐसा कोई अंदेशा लगा या वाकई में सिर्फ विचारधाराओं का मेल नहीं खाना कारण हुआ मैं तो आराम से रेस्ट कर रहा हूँ विचारधाराएं में डिफरेंस था ओके बीजेपी बी कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी जनता जिसको तय करेगी जिताएगी जिसको तय आएगी पायलट साहब से बातचीत हुई आप पायलट साहब से मेरी खूब बात होती रहती है पायलट साहब मेरे लिए अलग थोड़ी हैं वो और हम क्या नाम है जो उस टाइम से रहे हुए थे लोकसभा में एक बार हेलीकॉप्टर ले गए थे मेले में गुजर जो हेलीकॉप्टर वो से हम डुल गए तो तीन जगह हमने हेलीकॉप्टर उतारा हम तो वो उनके सब बड़े पायलट साहब से मेरे संबंध थे तो उस परिवार से मेरे संबंध हैं वो कोई इश्यू नहीं है और पायलट साहब अपने आप में एक अच्छे व्यक्ति हैं तो उसको कोई नकार नहीं जा सकता जब जिस समय पायलट साहब मानेसर गए उस समय जो भी सारा एपिसोड हुआ उसके बाद में वापसी आने के बाद टेपिंग कांड हुआ बहुत सारी चीज़ें निकम्मा नाकारा जान ना जाने जन, क्या क्या गहलोत साहब ने उनको कहा लेकिन उन्हीं के पूर्व ओएसडी ने सारा कच्चा छिट्टा उनके सामने खोल दिया उसके बाद भी पायलट साहब एक चुप्पी सी साधे हुए बैठे हैं क्या लगता है आपको आगे क्या कुछ होने, होने उसी हाँ? लोकेश शर्मा जी का ही शैगेंड करता हूँ कि उसकी जाँच होनी चाहिए और ये जब तक हुआ है तब तक कि चुनाव घोषित नहीं हो गए और चुनाव घोषणा के बाद जब तक मुख्यमंत्री का पत्थर है जब तक ये टेपिंग हुई है तो ये उन्होंने बता दिया है वो वास्तविकता उसकी जाँच होनी चाहिए अब आगे आपका क्या कुछ विचार है आगे अरेस्ट करेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे फिर देखेंगे क्या करना ये थे हमारे साथ खिलाड़ी अल भैरवाजी इनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो जो सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि विचारधाराओं का मेल नहीं हुआ करीब साढ़े चार महीने इन्होंने देखा पार्टी ने इन्हें देखा लेकिन बात वही आई कि इनकी विचारधारा बीजेपी से कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रही थी इस वजह से इन्होंने बीजेपी से आज त्यागपत्र दे दिया है और पायलट साहब से मिलने के सवाल पर साफ तौर पर कहना है कि बड़े पायलट साहब से इनके अच्छे संबंध रहे हैं और उस परिवार से इनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और आगे आने वाले समय में पायलट साहब का जो भी आदेश होगा ये उसे ज़रूर मानेंगे और मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में इन्होंने कहा कि उन्हें अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि दो बार वो खुद अपने बेटे की लूटियाँ डुबो चुके हैं इसलिए अब उनका राजनीति में कोई काम नहीं है उन्हें घर बैठना चाहिए आराम करना चाहिए सहयोगी कैमरा मैन अजय के साथ उमंगमाथुर जनता दरबार